अब हम लोग आए हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, मतलब हमारी जो ये भारत यात्रा है वो एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच चुकी है। जगह का नाम है जयगांव। ओके, 10 रुपए का करेंसी हो गया। ओके, ये किंग का नाम क्या है? ये किंग का जिग्मी सिग्मी कोंचू है इसका। ओके। तो भाई साहब सुबह के बज चुके हैं 9 और कल हम आ चुके हैं दार्जिलिंग से फिलहाल जलपाईगुड़ी। और जलपाईगुड़ी कैसे पहुंचे पहले तो ये देखिए। फाइनली सिलीगुड़ी के लिए लिफ्ट मिल गई है। और आपका क्या नाम है? नितेश। गितेश? नितेश छत्री। नितेश छत्री। और आपका क्या है? लागेल तामंग। तो भाई साहब दोनों के साथ हम जा रहे हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी, और भाई साहब ने रोका और सिलीगुड़ी तक के लिए लिफ्ट मिल गई। भाई साहब फाइनली 1 से 1.5 घंटा लगा हमें भाई के साथ यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि भाई का ना मतलब स्किल जो है बहुत ही खतरनाक वाला है। तबाही टाइप से गाड़ी चलाई इन्होंने और मतलब 1.5 घंटे में हम पहुँच गए। ये एक क्या नाम है जगह का? रोहिणी। तो रोहिणी पहुँच गए 1.5 घंटे में सीधा दार्जिलिंग से। तो कल शाम हम यहाँ पर पहुँचे और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये वाला एक टेंट, ऊपर भाई ने पता नहीं क्या सुखा दिया है, और एक ये टेंट। मतलब यहाँ हमने परमिशन मांगी और लोग इतने प्यारे हैं ना यार, मतलब उन्होंने मतलब 2-3 जगह हमने पूछा और सबने हाँ हाँ करी, तो हमें उनमें से सबसे बेस्ट प्लेस लगा ये गार्डन का एरिया है पेट्रोल पम्प का। तो हमने यहाँ पर कैंपिंग करी और आज जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आज का डेस्टिनेशन कोई फिक्स नहीं है, हो सके तो भाई कुछ ही दिन बाद मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। बच्चा उच्चा नहीं होएगा, मतलब दूसरी कुछ गुड न्यूज़ है जो आने वाली है, और हमारे इस मुसाफिर सोमेश की जो YouTube फैमिली है उसके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। तो देखो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो। अभी फ़िलहाल यहाँ से ये पैक वैक करते हैं और निकलते हैं आगे गुवाहाटी की ओर जहाँ तक पहुँच सकें। तो भाई साहब अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, 10 बज चुके हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा हमने टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दिया। अब गुवाहाटी की ओर निकल रहे हैं। गुवाहाटी यहाँ से 400 किलोमीटर और शायद आज हो पाए नहीं हो पाए। हमें दिन की पहली लिफ्ट मिल गई है और भाई साहब दे रहे हैं हमें लिफ्ट। क्या नाम है भैया? विक्रम लामा। विक्रम लामा, चलिए भैया थैंक यू। चले भैया जी। तो भाई निकले ही थे पेट्रोल पंप से, 20 कदम ही चले होंगे कि और लिफ्ट मिल गई। इतनी खुशी होती है ना जब ऐसा कुछ आप फर्स्ट एफर्ट लिफ्ट जा रहे हैं, वो भी 75 किलोमीटर तक। भाई एक जयगांव तक जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब जो सामने देख रहे हैं ये है तीस्ता रिवर, मतलब सिक्किम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है और ब्रह्मपुत्रा की ये ट्रिब्यूटरी है। तो भाई जिस ट्रक में हमें लिफ्ट मिली है इसकी एक ख़ास बात बताता हूँ, ये ट्रक और भाई साहब जो हैं ये आ रहे हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से इंडिया और इंडिया से जाएंगे भूटान, मतलब 3-3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मतलब टच करते हुए भाई साहब जा रहे हैं। तो मतलब मज़ा आता होगा ना एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं कि नॉर्मल लगता है आपको? लंच करेंगे हम, सोच रहे हैं आपके साथ जयगांव चलेंगे। तो क्या हम लोग का आखिर हम लोग घूम ही रहे हैं तो हमारा वीडियो जयगांव का बन जाएगा, भूटान बॉर्डर का। उधर में भी मतलब घूमने का अच्छा। अच्छा अच्छा भाई साहब प्लान ऐसा बन चुका है कि अभी हम लोग गुवाहाटी स्किप करके जा रहे हैं जयगांव, और जयगांव एक्सप्लोर करने के बाद फिर निकलेंगे गुवाहाटी की ओर। तो प्लान में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, देखो जो भी होगा अच्छा ही होगा यार, होप फॉर द बेस्ट। और दिखाते हैं आपको कि लोगों का रहन सहन कैसा है भूटान बॉर्डर पर। मतलब उल्टा हिसाब से लेते ये लोग, जैसे कि अभी हम लोग को मिलने से ड्राइवर को थोड़ा मतलब डोमिनेट करना, उसको मारपीट करना, ये सब ज्यादा ये लोग प्रेफर करते हैं आगे। अच्छा, इस एरिया में? जी ये सब एरिया में। तो हम लोग कोई भी लिफ्ट के लिए कोई भी पुकारे हम लोग कभी नहीं रुकता है। जैसे कि अभी मैं रुका था आप लोग के लिए ना, मेरे दोस्त आके आगे सामने खड़ा हो गया। हाँ मतलब वो पूछ रहा कि क्या हो गया बोलते, तो मैं बोल दिया कि कुछ नहीं, चलो चलो चलते रहो।
बहुत प्रॉब्लम होता है भाई ये रास्ते में ना, मतलब यहाँ के सारे लोकल्स ये समझते कि आप लोग भूटान से हैं। जी मतलब भूटान से है और हम लोग पता नहीं कहाँ, मतलब दूसरे टाइप का वो लोग ट्रीट करते हैं हम लोगों के साथ में ना। अच्छा, तो अच्छा बर्ताव कभी नहीं करते भैया, तो डर लगता है कि मतलब कोई रोकता है इसलिए रुकने का, कभी नहीं रुकते भैया हम लोग इस तरह। वो अपना जो हेल्पर का साइड का वो दरवाजा होता है हमेशा लॉक करते हैं। कोई खेती की बात करें तो इस एरिया में ना जो आलू की खेती होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये ट्रक और ट्रैक्टर्स का कतार, मतलब पिछले 2-3 किलोमीटर से मैं देखता आ रहा था, मतलब लगातार ये ट्रक्स और ट्रैक्टर्स जो हैं खड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आलू का प्रोडक्शन होता है। ये है मतलब पश्चिम बंगाल का धूपगुड़ी एरिया। साहब हमें मिल चुका है भूटान बॉर्डर, मतलब भूटान का फर्स्ट व्यू। आपको सामने धुंधला कुछ दिख रहा होगा, अभी फ़िलहाल नहीं दिखेगा, आगे चल के बताते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल इतनी है भाई, मतलब अलग ही लेवल की। तो भाई साहब फाइनली पहुंच गए जयगांव और यहां से है मतलब आगे भूटान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा सच में। मतलब पूरा सफ़र पता ही नहीं चला 70-80 किलोमीटर कैसे बीत गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं मार्केट की ओर और खाना वाना खाते हैं और उसके बाद देखेंगे टेंट वेंट कहाँ लगाना है। तो और बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। भाई साहब हम लोग आए हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, मतलब हमारी जो ये भारत यात्रा है वो एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच चुकी है। जगह का नाम है जयगांव। तो भूटान बॉर्डर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से भूटान बस कुछ ही कदम दूर है, मतलब फ़िलहाल तो बॉर्डर बंद है, जा नहीं सकते हम लोग कोविड के कारण वहाँ से भी, मतलब लोग यहाँ आ नहीं सकते और यहाँ से भी वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है जो हम आपको बता सकते हैं और वो है भूटानीज करेंसी। तो हमारे साथ है एक भैया जी। तो भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नमस्कार, तो हम लोग भूटान बॉर्डर में रहता है, मेरा नाम रोशन विश्वकर्मा और भाई को दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं भूटान करेंसी। दोनों को दिखाओ। तो भाई साहब मतलब मैंने इनसे भैया से पूछा कि भैया आपके पास अगर इतने पास रहते हो तो भूटानीज करेंसी तो जरूर होगी। तो भैया ने मतलब एक पूरा बंडल ही लाके दे दिया हमें। बंडल तो मतलब, नहीं थोड़ा सही है। मतलब ये ऐसा है कि 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का नोट जो है भूटान में चलता है और भैया के साथ पास मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन है भाई। तो हम लोग बता रहे हैं इसमें क्या नोट की खासियत क्या है और मतलब जो भी इसमें छोटी मोटी गहराइयां होती हैं नोट में वो बता रहे हैं भाई साहब। ये हो गया आपका 5 रुपए का नोट, देखिए 5 रुपए का नोट हो गया। ओके, और ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है ना 5 रुपए के नोट पे? कुछ नहीं, ये आपका ड्रैगन है खाली, ड्रैगन। और ये पीछे क्या है? पीछे भूटान का वो है मॉनेस्ट्री। हां ये मॉनेस्ट्री है, जोंग होगा ये, इसका बोलते हैं जोंग, भूटान जोंग। सब में होता है ये सब, सब में होता है जोंग। ओके, जोंग बोलता है। 10 रुपए का करेंसी हो गया। ओके, ये किंग का नाम क्या है? ये किंग का जिग्मी सिग्मी कोंचो है इसका। ओके, का पिताजी हो गया ये, देखिए मतलब इनके पिताजी हैं ये, इनका पिताजी हो गया ये। तो जो 10 रुपए के नोट में है वो बेटे हैं और 20 के में उसके पिताजी, पिताजी। ओके, और इसका 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 लड़का हो गया ये। ओके, मतलब ये प्रेजेंट किंग है, प्रेजेंट किंग का भी। ओके, प्रेजेंट किंग ये है बस। अच्छा, 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का नोट। तो 1000 रुपीज के नोट में प्लस 50 रुपीज के नोट में जो है वो प्रेजेंट किंग का फोटो है, बाकी 100 रुपीज के में उनके फादर का है। इसका फादर, इनका फादर क्या है? ओके, उसके मतलब 10 रुपीज में उनके ग्रैंड फादर का है। तो भाई साहब ऐसा कुछ सीन है यार, और मतलब एक मतलब अपने कंट्री में होते हुए एक नए देश की करेंसी, प्लस एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। खास बात ये है कि ये जयगांव जो एरिया है मतलब बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी मतलब करेंसी जो है एक्सेप्ट करते हैं और भूटानीज करेंसी और इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है लगभग सेम है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ से आगे मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस करेंसी को, लेकिन यहाँ पर लोग जो लोकल लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और भाई भूटान नहीं जा पाए तो क्या हुआ, कम से कम करेंसी देख ली, और बॉर्डर भी आपको एक बार ज़रूर विज़िट करवाते हैं यहाँ से चलने के बाद। थैंक यू सो मच भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। मंगलवारी, हाँ हाँ, छोड़ देंगे आप? 3 लोग बन जाएंगे, हाँ चलो चलो चलो, थैंक यू। तो भाई साहब हमें मतलब भूटान बॉर्डर के करीब भी लिफ्ट मिल रही है। तो अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पशाका मार्केट के लिए, लेकिन भैया मिले हमें अमित भैया और वो छोड़ रहे हैं हमें। कहाँ तक छोड़ रहे हैं भैया? मंगलवारी चौपती तक। अच्छा, तो मंगलवारी तक हम लोग जा रहे हैं भाई। तो भूटान बॉर्डर के करीब भी हमें मिल रही है लिफ्ट।
कहाँ जाने का था? पासा का मार्केट, मार्केट पासा का मार्केट जो पांगी बाजार बोलते हैं। जी 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 लास्ट भूटान बॉर्डर। हाँ हाँ वहीं पर जा रहे हैं। ये मंगलवारी चौक होती है। अच्छा ये वाला चौक है, ये मेरा दुकान है। अरे वाह। तो भाई साहब हमें छोटी सी लिफ्ट मिली, अब यहाँ से हमें जाना है आगे बंगे बाजार की ओर। भाई एक कोशिश और वो नाकाम। तो भाई हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है, लेकिन हमेशा कोशिश सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो भाई साहब ऐसा होता है ना कि जब आप लिफ्ट मांगते हैं या किसी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाले का एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि सामने वाला मतलब देगा कि नहीं। कई लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे शक्ल बना के रखते हैं, तो उन लोगों से मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और लिफ्ट देना एक मर्ज़ी वाली बात होती है यार, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई गलत सही वाली बात ही नहीं है। पूरा मतलब रोड साइड के किनारे पे पूरा आपको दिख जाएगा चाय पत्ती के बागान, बहुत ही खूबसूरत, और मैदानी इलाकों पे, और ऊपर पहाड़ वाला जो इलाका है वो है भूटान। यहाँ पर हो रहा है श्रीमद् भागवत, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब अच्छा खासा ही हो रहा है लग रहा है। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं इंडिया भूटान बॉर्डर पे, मतलब जहाँ से दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग होती है वहाँ पर आ चुके हैं। ये एक जगह है जिसका नाम है खोखला बस्ती, और यहाँ पर पीछे लगता है ये पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्केट लगता है जिसका नाम है बांगे बाज़ार मार्केट। लॉकडाउन की वजह से लोग यहाँ वहाँ आ जा नहीं रहे हैं, इसीलिए अभी जो बाज़ार है वो फ़िलहाल नहीं लगा है, लेकिन ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं पूरा यहाँ पर बाज़ार लगता है, और वो जो पहाड़ दिख रहे हैं और वो जो धुआं निकल रहा है पूरा वो भूटान का एरिया है। तो मैं आपको बॉर्डर दिखा देता हूँ यहाँ से, और फिर इसके बाद पास ही एक हाट लगा है वहाँ पर फ़िलहाल लेके चलते हैं, अगर लगा होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देखिए इंडिया भूटान का बॉर्डर। साहब ये झंडे लहरा रहे हैं इंडिया में, सामने घर दिख रहा है वो सब भूटान का एरिया है। ये जो आपको यहाँ पर एक चेक पोस्ट टाइप का दिख रहा होगा, चेक पोस्ट में जो ब्लैक एंड वाइट चेक पोस्ट का जो डंडी है वो है भारत में, और ब्लू और वाइट वाला है भूटान। मतलब जो आपको सामने हट दिख रहा है ये पूरा भूटान वाले एरिया में आता है, और इंडिया यहाँ से अलग हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, हम लोग आगे जा सकते थे लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बॉर्डर क्लोज है तो जा नहीं पाएंगे। यहाँ पर आसपास कहीं मार्केट लगता है क्या? कोई बाजार हाट कुछ भी लगा हो? थोड़ा आगे में आस घाट है। हाँ वही पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं वो जो बोर्ड लगाया हुआ है इधर में जी 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 देखा है। हम लोग दरअसल इधर से आ गए, गाँव से आ गए। गाँव से आ गए तो उधर में होता है, तो उधर में गाँव का बीच में है, खुला का और नाली का, खुला जगह में। ओके ओके लगता है। मतलब ये हाईवे में नहीं है ना? मतलब मेन हाईवे में नहीं है, हाईवे हाईवे जाइए और हाईवे का नीचे उधर में दुकान में पूछने से होगा। ओके ओके चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भाई साहब लिफ्ट मांग के बॉर्डर तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन बॉर्डर से जाने के लिए वापस मतलब परिंदा भी नहीं है भाई, पीछे कोई गाड़ियां ही नहीं आ रही, और दूर दूर तक मतलब कुछ नहीं है, खाली है पूरा का पूरा। तो अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, पैदल ही जाना पड़ रहा है फिलहाल तो, और गाड़ी हमको लग भी नहीं रहा कोई। रात सोए थे हम लोग यहाँ, ये आप पीछे पुलिस स्टेशन देख सकते हैं, हमने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ था, और यहाँ जो SI थे उन्होंने हमें परमिशन भी दे दिया कि आप यहाँ पर सो सकते हैं। तो बस रात हमारी बीत गई, और मतलब भाई इतनी थकान हो जाती है आजकल की, नींद ही आ जाती है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। कल तो हमने खाना भी नहीं खाया था और ऐसी नींद आ गई। तो फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं हम लोग भूटान बॉर्डर देखने, और भूटान बॉर्डर के बाद यहाँ से सीधा निकलेंगे आगे नई जर्नी पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको फिलहाल भूटान बॉर्डर। तो भाई साहब गुड मॉर्निंग, और मैं बात कर रहा था इस बॉर्डर की,
सामने जो देख रहे हैं ये है भूटान गेट, और सामने जो उस साइड बिल्डिंग दिख रही है ये सारी है भूटान में। फिलहाल हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और रिस्ट्रिक्शंस में उस साइड जाना अलाउ नहीं है, वरना मतलब इतना आसान बॉर्डर है ना यार ये, हम उस साइड आराम से क्रॉस कर सकते हैं, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी और उस पार आप जा सकते हो। बॉर्डर्स कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कहीं पर बहुत ज़्यादा सरल, तो यही तो है यार दुनिया, और इन छोटी छोटी रेखाओं ने जो है दुनिया को अलग अलग देशों में बांट के रखा है, तो ऐसा हमारा पूरा जो ज्योग्राफी है वो काम करती है। और अच्छा लग रहा है इस कोने में आके, हमारी भारत यात्रा जो है भारत के एक और कोने तक पहुंची, और एक और खुशी के साथ हम लोग यहां से ले रहे हैं विदा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।